इसको कोई एक ले ले और काम चल जाएगा, ऐसी तो मेरी मान्यता है। इसमें आज बदलाव आ चुका है कि जब तक हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में हैं तब तक ये एकार का नियम लागू यहाँ नहीं होता। ये भी होगा लेकिन जब हमारी कक्षा आ जाए, लेकिन जब हम प्राइमरी स्टेज में तब एकाहार से हमारा काम नहीं चलेगा, तब हमें पांचों प्रकार का लेना पड़ेगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकार, या तो ये कंद मूल फल पत्ती और पानी। तो इसमें देखते हैं प्रमाण कितना रखना। चलो पांचों खाते, तो अब जो मेरी समझ है मैं आपके सामने रखता हूँ, सच भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन ये आज की मेरी मान्यता है और इसको मैं फॉलो कर रहा हूं। तो हम देखते हैं सारी सृष्टि में पेड़ पौधे आप ले लो, या तो इसमें से कोई एक ले, कोई भी एक पेड़ ले, पौधा ले, इसमें हम देख सकेंगे कि कंद की मात्रा कम से कम है। कंद किसको कहते हैं? जो मूल है, मूल में जो गांठे होती है, ये गांठे वो कंद है। जैसे कि सूरन है, आलू है, अदरक है, ये सारे शकरकंद है, ये कंद कहे जाते हैं गांठे। जो पचने में सबसे भारी है, जो तोड़ने में भी सबसे सख्त है, हार्ड है, ये कंद है। और सारे पेड़ या पौधे में हम देखेंगे कि कंद की मात्रा कम से कम है, परसेंटेज में देखे तो, यानी कि हमारे शरीर में कंद की आवश्यकता है लेकिन कम से कम। बाद में है मूल, जैसे कि मूली, गाजर, हाँ, जिसमें रस की मात्रा थोड़ा ज्यादा है कंद की तुलना में। और कंद की तुलना में मूल ज्यादा क्वांटिटी वाइज, यानी कि हमारे खान पान में, हमारे भोजन में सबसे कम कंद, इससे ज्यादा मूल होना जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं कि कंद और मूल के बाद में फल आता है। कंद से ज्यादा मूल, मूल से ज्यादा फल है, फल लगते हैं। तो अब कंद से ज्यादा मूल खाए जाए और ये दोनों से ज्यादा फल खाया जाए। और जो फल है फूल से बनता है, ये फूलों की मात्रा फल से भी ज्यादा है। आप देखेंगे कोई भी पेड़ पौधे में फूल की मात्रा फलों की तुलना में ज्यादा रहती है। कोई भी पेड़ ले लो, मानो के आम है, जब फूल लगते हैं कितना सारा वृक्ष आम का पेड़ फूल से भर जाता है, बस सफेद सफेद ही दिखता है। अब हम देखते हैं कि जितने फूल है उतने फल नहीं होते, फूल गिरने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो इसमें से शायद मुझे लगता है हार्डली 10%, वो परसेंट हमने गिना नहीं है, लेकिन इमेजिन करता हूं इतने फल लगते हैं।
यानी कि फूलों की मात्रा फल से भी ज्यादा है, तो हमारे भोजन में फूलों की मात्रा फलों की तुलना में ज्यादा होना जरूरी है। लेकिन ये विज्ञान की वजह से या कोई भी हमारी नासमझी के कारण हमने हमारे खान पान में फूलों को तो स्थान ही नहीं दिया, फूलन खाते ही नहीं जो खाना चाहिए था, और ज्यादा फलों की तुलना में ज्यादा। और अब हम देखते हैं कि फूलों से भी ज्यादा वो पत्तियां, यानी कि हमारे भोजन में पत्तियां की मात्रा सबसे ज्यादा होना जरूरी है। कैसे भी खाएं, चटनी बना के खाए और कोई रेसिपी बना के खाए, जूस बना के पिए, लेकिन पत्तियों की मात्रा ज्यादा जरूरी है। ऐसे आज मेरी मान्यता है, वो है हमारे जैसे आम आदमी की बात। आम आदमी यानी आम आदमी पार्टी आपकी बात नहीं करता मैं, हाँ हमारे जैसे कॉमन में आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो हम कॉमन में, तो ये हमारे लिए समतोल आहार तब कहा जाएगा कि जब पत्तियां की मात्रा सबसे ज्यादा भोजन में हो, इससे कम फूलों की मात्रा हो, इससे कम फलों की मात्रा हो, इससे कम मूल की मात्रा हो और सबसे कम कंद की मात्रा हो, तो इसे हम बैलेंस डाइट कहें। वो हाथ पे नहीं चढ़ाना और कोई प्रक्रिया नहीं करना है। ऐसा भोजन जब हम खाएंगे तब हम इसको समतोल आहार कहेंगे। आपको शायद पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा कि पानी पे भी एक वनस्पति होती है। देखा है आप, कितने लोगों ने देखा है पानी पे जो वनस्पति होती है, क्या ओके उसको हम क्या कहते हैं, गुजराती में हिंदी नाम तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिला। हम शेवाल कहते हैं या तो लील कहते हैं, लील शेवाल पानी में, और पानी जब बंदियार होता है, हाँ बहता है, तो वहां नहीं वो रह सकती, टिक सकती, तो इसको शेवाल कहते हैं या तो लील कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पीरुलिना या तो स्पाइरुलिना कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये कोई विशिष्ट वनस्पति है। यहाँ हम देखते हैं जो सभी पेड़ पौधे में देखा, ऐसा नहीं है। वहाँ न कंद है, न मूल है, न फूल है, न फल है, केवल और केवल पत्तियाँ हैं। हाँ सारा शरीर पत्तियों का है। ऐसा भी मैंने सुना कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो एक साथ तो इतने सारे प्राणी को नहीं बनाया, जन्म नहीं दिया, एक के बाद एक किया, तो सबसे पहले जिसको जन्म दिया वो है स्पिरुलिना शेवाल लीन। बाद में ये पेड़ पौधे बने, बाद में
और सारे जीव बने। और मुझे लगता है कि मनुष्य तो अंत में, सबके अंत में मनुष्य बने होंगे, जो भी है से लेना देना हमें नहीं है। लेकिन जिसमें केवल और केवल पत्तियां स्पिरुलिना, तो इसमें जो हम कहते हैं समतोल आहार में सबसे ज्यादा पत्तियों की मात्रा होनी चाहिए, तो ये सारी वनस्पति ही केवल पत्तियां हैं। यानी कि पत्तियों में जो होता है, जो भी सत्व तत्व, ये स्पिरुलिना यानी कि शेवा यानी कि लीव, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि थोड़ा सा भी ले तो इसे इसका प्रभाव हमें ज्यादा पड़ता है। ये हमारा अनुभव ही है, बहुत सारे लोगों का अनुभव है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि बहुत सारी पत्तियां खाने का यदि संभव नहीं है कोई भी वजह से, तो हम स्पिरुलिना पाउडर बाजार में मिलता है ये ले सकते हैं। पतंजलि नाम आज सारी दुनिया जानती है, रामदेव जी बाबा, वो भी ये स्पिरुलिना अपने आउटलेट से बेचते हैं। मोदी केयर भी एक ऐसी इंडिया में कंपनी है जो फेमस है, वो भी बेचती है। इसके अलावा कई छोटी बड़ी कंपनियां होगी जो बनाती है बेचती है, कहीं से भी हम ले सकते हैं। हम कहते हैं हमारी बात मानो मत, लेकिन प्रयोग करके देखो तो आपको अपने आप पता चलेगा कि बात में तो कुछ दम है तो आगे बढ़ना, नहीं है तो छोड़ देना। तो हरी पत्तियां हमारे भोजन में सबसे ज्यादा, तभी ए बैलेंस्ड डाइट कहा जाएगा। और हरी पत्तियां लेना इस समय में इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो व्यवहार में नहीं आया है। जब व्यवहार में आ जाएगा, बाजार में आ जाएगा, तब आसान हो जाएगा। तब तक तो हमें खुद इसके तरीके ढूंढने होंगे। बाजार में हम देखते हैं कि फल आसानी से मिलते हैं तो हम फल खाते हैं, पत्ता गोभी ऐसे नाना प्रकार के सलाद भी आसानी से मिलते हैं, हम खा सकते हैं खाते हैं। फूल आसानी से नहीं मिलते क्योंकि हम नहीं खाते, हम खाने लगेंगे तो वो भी मिलने लगेगा। उसी तरह जब पत्तियों का प्रयोग होने लगेगा तो विविध रूप में पत्तियां भी हमें मिल जाएगी, जो हम आसानी से इसका उपयोग कर सके। तो ये है बैलेंस्ड डाइट, भोजन में बैलेंस्ड डाइट। अब हम भोजन को और एक प्रकार से देख ले, तो और तरीके से हम देखते हैं भोजन के प्रकार।